नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने आपके ही द्वारा कई सवाल जो पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर विचार विमर्श करने आया हूं, उन्हीं का जवाब देने आया हूं। जैसे सबसे बड़ा जो एक सवाल है आप लोगों का चल रहा है इस समय कि सर हमने पीटी 2021 भी दे दिया और 2022 भी दे दिया, इसी लगे हाथ, ठीक है, लेकिन क्या जो सोचकर पीटी सरकार ने चलाया था क्या उसका जो एक तरह से बोला जाए मोटो था क्या वो सही था, क्या वो चीज़ें साकार हुई जिस मकसद से पीटी को लाया गया था? आपने 21 को देख लिया, 22 भी हो गई संपन्न, क्या 21 के जितनी भी पीटी के थ्रू वैकेंसी थी उसमें क्या अपॉइंटमेंट सबको मिल गया? आपने देखा कि नहीं, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं ढंग से, तो एक वैकेंसी आपकी जो है कोई भी कहा जाए क्लियर नहीं हुई। जो 21 पीटी के आने वाली वैकेंसी थी वो अपने समय पीरियड में नहीं आ पाई, उसके बाद आ रही हैं, ठीक है। वो 22 में क्या होगा क्या नहीं होगा आप अंदाजा 21 के एक्सपीरियंस से लगा सकते हो। 21 का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो थी आपकी वो लेखपाल में थी, 8000 प्लस थी। उसके बाद देखा जाए तो जो वैकेंसियां निकली 9000 आपकी एनम की, उसमें तो स्पेशल एजुकेशन, लेकिन जहां सभी बच्चे बैठते हो वो वैकेंसी सिर्फ आपकी लेखपाल थी। उसके बाद से इन्होंने लोअर का एग्जाम कराया, कंडक्ट कराया, अभी रिजल्ट नहीं आया, लेखपाल का भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, ठीक है। तो लोअर में जो पोस्ट कम आई और वहां पर कट ऑफ हाई गया। लेखपाल में हम देखें जब इतनी वैकेंसी थी तो आपके 62 नंबर कट ऑफ गया है, तो आप सोच सकते हो कि जब मैक्सिमम 21 में जितनी वैकेंसियां थी उससे कहीं ना कहीं कम वैकेंसी आपको 22 में मिलेगी। और जब आपका एक तरह से बोला जाए कोई भी वैकेंसी में बच्चों के अपॉइंटमेंट नहीं क्लियर है तो टॉप के जो 10% बच्चे हैं वो सब एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? पीटी एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है उन बच्चों का। पहले यह हुआ था कि जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें 5,4500 प्लस पोस्ट आ रहा है, लेकिन हमें देखने को क्या मिला कि उस 5,000 में से 1200 इधर पोस्ट दे दिए 1262, बाकी पोस्ट बोल रहे हैं कि 22 से आएगा। आपने तो दोनों तरफ गड़बड़ कर दिया, उधर भी कम हो गई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, इधर भी कम हो गई। यहां पर भी जो है 75 प्लस वाले जो स्कोर किए होंगे वही बैठ पाएंगे। एक जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आपने 3 टायर का एग्जाम करा दे रहे हो और जो वैकेंसी आपकी इस साइड आने वाली थी वो भी आप आधा कट कर दिए और उसको 22 के थ्रू ले रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। जो एक होना चाहिए कि भाई आपने पीटी लागू किया तो आप समय के अनुसार उसके यहां जितनी वैकेंसी थी 21 में आपको जितना लगता था एक बार दे के छुट्टी कर लो, एग्जाम कराओ, अपॉइंटमेंट दो, रफ्तार बढ़ाना चाहिए था। ऐसे कछुए के चाल से चलेंगे तो ये जो पीटी सीटी है ये सब खत्म है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। ये एक छात्रों का सिर्फ नुकसान है और जो एक तरह से बोला जाए सरकार के किसमें है, सरकार के राजस्व बढ़ाने का तरीका है, बस मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन अब क्या करोगे, सरकारी नौकरी सभी के घर वालों की एक उम्मीद होती, जो आप देख रहे हो इस स्थिति में रही तो ऐसे तो मुश्किल ही लगता है। एक सबसे बड़ा वो है कि अब बच्चे बोल रहे हैं सर एक हमारे पास सिर्फ विकल्प बचा है वीडियो एग्जाम, इसे हमें करना है, करो या मरो की स्थिति में इसे हमें किसी तरह इसमें जॉब लेना है। कारण एक ही है कि इसमें ना ही पीटी 21 लागू होगा और ना ही पीटी 22 लागू होगा। वीडियो एग्जाम हुआ है जो 2018 में हुआ था और किसी कारणवश परिणाम आने के बाद डीवी होने के बाद भी इसे कैंसिल कर दिया गया और अब यह सुप्रीम कोर्ट तक इसका मामला गया था, वहां से भी फाइनल सब कुछ डिसीजन आ गया है और वह कॉपी जो है आयोग तक पहुंच चुकी है। अब ये आता है प्रश्न कि सब कुछ फाइनल हो चुका है कि इसको री एग्जाम कराना ही कराना है, तो आखिर ये भी आयोग क्यों इतना डिले कर रहा है, आखिर कब होगा एग्जाम? सबसे पहला परीक्षा तिथि इसकी क्या होगी? और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए एक यही विकल्प क्यों बचा हुआ है वीडियो एग्जाम का ही?
तो जल्दी से हम आपको इसमें बताते हैं कि वीडियो एग्जाम ही आपका एक विकल्प इसलिए है कि इसमें कोई पीटी कोई 10 परसेंटाइल वाले लोग ही नहीं, टॉप वाले जो एक बार दे लिए तो वही टॉप वाले हर फॉर्म भरेंगे। जितने कैंडिडेट 2018 में फॉर्म भरे थे वो सभी एग्जाम दे सकते हैं। इस सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई परसेंटाइल नहीं मांगेगा। तो एक बार वीडियो एग्जाम को हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम पढ़े, कैसे पढ़े कि फाइनली इसमें हम सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। क्या कंपटीशन लेवल रहेगा, ठीक है। इसकी जॉब क्या है, कैसे इसकी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आज से लग जाएं तो क्या इसमें फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी जवाब सवालों के जवाब जो है मैं आपको दूंगा। तो पहले ओवरव्यू थोड़ा सा बता देता हूं कि वीडियो एग्जाम 2018 में हुआ था, इसमें 3 पोस्टें आई थी। ओवरऑल 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है, आप यहां देख लेना 2000 ग्रेड पे की जॉब है। 5200 से 20200 आपका वेतन मान है इसका वीडियो एग्जाम का। 3 पोस्टें थी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। इन 3 पोस्टों में 1953 पोस्ट इसकी टोटल आई थी। 1953 अच्छी खासी पोस्ट होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन था 10+2 और CCC सर्टिफिकेट। काफी बच्चों के इसमें क्वेरी है उस समय, जो हो सकता है किसी कारणवश एग्जाम नहीं दिए थे या फॉर्म फिल किए थे, एग्जाम दे दिए थे और उनके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अब हो चुका है, तो उनकी जो क्वेरी है उसको भी मैं सॉल्व करता जा रहा हूं। देखो, और CCC सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट भी कुछ लोग कंफ्यूज है, उसको भी मैं आप लोगों को यहां पे सॉल्व करा दे रहा हूं, जो भी आपकी क्वेरी है कि भैया वीडियो एग्जाम के लिए 10+2 चाहिए और कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में आपसे CCC सर्टिफिकेट मांगा था, ना कि 2018 में हाईकोर्ट के द्वारा जो इक्विवेलेंट वाला पार्ट है वो नहीं लागू हुआ था, ठीक है। इसलिए यहां पर CCC के इक्विवेलेंट वाले जो लोग हैं, अगर उनके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको DV से बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका लास्ट डेट से, फॉर्म के लास्ट डेट से जो आपका था 2018 में 29 जून, ठीक है, 29 जून 2018 था, इस लास्ट डेट से पहले का है, तभी भैया आप लोग एग्जाम देने जाना। क्यों एक सीट आप किसी का जो है बेकार करोगे? अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, उसके इक्विवेलेंट भी है, तो भी आप मत जाना, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मुश्किल है कि वो लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हो सके तो डाल देना, मैं कुछ कहूंगा नहीं इसमें। 29 जून 2018 से पहले का अगर सर्टिफिकेट, कोई भी आपका सर्टिफिकेट, वही मान्य होगा और 10+2 क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम जो MCQ मोड में होगा, और अभी तक देखा जाए कि UP SSSC का जो सबसे बेहतरीन रीजनिंग किसी एग्जाम में पूछा था तो वो वीडियो का एग्जाम था। अब बच्चों के अंदर ये डर एक बन गया है कि सर क्या फिर से री एग्जाम में भी रीजनिंग का लेवल वही रहेगा, एग्जाम का लेवल वही रहेगा, अभी इस पर मैं परिचर्चा करूंगा। तो रीजनिंग और हिंदी और GS जनरल जो आयोग में है, यही पूछा जा रहा है। 50-50-50 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स होगा, 150 क्वेश्चन आपके होंगे, और पिछली बार 211 के अप्रोक्स कट ऑफ इसकी गई थी। इस बार क्या कंपटीशन होगा वो सब मैं कट ऑफ बताऊंगा। यहां पर अगर हम बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा, और सबसे बड़ा पॉइंट है हाफ निगेटिव है। हाफ क्या है? निगेटिव है, ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न है यहां पर, 2 नंबर का एक प्रश्न है, और हाफ निगेटिव का मतलब एक गलती पर 1 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इसका, और सबको दिमाग में रख के पेपर को सॉल्व करना है एग्जाम में, ये ध्यान रखें। पिछली बार की ये है कि 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 9 लाख जो है कैंडिडेट अपियर हुए थे, 9, 5, 14, मतलब 5 लाख ने एग्जाम छोड़ दिया था, ये छोड़ने वाले हो गए। तो क्या इस बार क्या सिनेरियो रहेगा कि 14 लाख में क्या ये 14 लाख से 10 या 12 लाख हो जाएंगे या 9 लाख से भी कम रहेंगे? पिछली बार छोड़ने का कारण ये भी था 9 लाख में कि उसी दिन शायद उसी समय आपका ASI का भी एग्जाम जारी था, मुझे जहां तक याद है, तो कुछ बच्चों ने इस वजह से इसको छोड़ दिया था।
अब क्या सिनेरियो होगा वो तो समय बताएगा, और जहां तक मैं एक सोच रहा हूं कि कंपटीशन कैसा होगा वो मैं अभी आपको जाते जाते बता के जाऊंगा। तो ये आपको तैयार करना है। रीजनिंग का लेवल क्या पिछले पेपर की जैसे ही रहेगा या कुछ चेंज होगा इसमें? देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, अब एजेंसी बदल गई पेपर बनाने वाली तो कुछ और तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देख लिया, जैसे आपने पीईटी में डीआईवाई के क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे, तो हो सकता है कि जो रीजनिंग में डीआई पोर्शन पूछा था वो अच्छा लेवल आए आपका। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि हम पिछले से प्रिजुडाइज नहीं हो सकते, लेकिन एक सेटअप बना के चल सकते हैं कि नहीं लेवल ठीक ठाक होगा। ठीक है, यह भी नहीं हो सकता, हो सकता है पेपर आसान भी आ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में आ जाओ। पहले तो ये जो आपके प्रश्न है अलग अलग उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप कहते हो कि क्या सभी फॉर्म भरने वाले बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, देखिए जब री एग्जाम हो रहा है तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उस टाइम, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, जिसको भी अगर भूल गए हो कि हमने भरा था और हमें कुछ पता नहीं है, तो वेबसाइट पे जाओ, वहां पे एक आता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां पे करोगे आपका मिल जाएगा। सभी फॉर्म भरने वाले बच्चे एकदम चांसेस हैं कि सभी को मौका दिया जाएगा जितने लोग फॉर्म भरे थे। ठीक है, 90% उम्मीद है, 90%, 10% देखो क्या होता है, लेकिन 90% यही होता है एग्जाम। नए बच्चे क्या वीडियो का फॉर्म भर पाएंगे? नए बच्चे कोई भी इसमें वीडियो नहीं भर पाएगा, जो 2018 में फॉर्म अप्लाई किया है उसी को एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कट ऑफ क्या होगी? पिछली बार 211 कट ऑफ थी 300 में से शायद, ठीक है 2011 जो है 211 के अप्रोक्स थी मुझे जहां तक रिकॉल हो रहा है। क्या कट ऑफ यही रहेगा या इससे कम भी हो सकता है? हम कम क्यों मान के चले? कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें भी धांधली होगी। अब देखो सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ लोग फेयर तरीके से सिलेक्शन लेते हैं। वो किस लिए लेते, कैसे लेते हैं? मेहनत के बल पे लेते हैं। तो आज से सोच लो कि हाँ कुछ भी होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम एफर्ट पुट करके मैक्सिमम गेन करना है। तो ये मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो सीधे कहता हूं कि आप 225 से 230 का टारगेट रखो, मेरा तो ये मानना है। आप ऐसा टारगेट रखो भाई, जब समय है तो टारगेट बड़ा रखो, 225 से 230 का टारगेट रखो, मेरा ये कहना है। ये इसमें पक्का सिलेक्शन होगा, ये निश्चिंत रहो। इसमें अगर डाउट भी है, चलो मैं हो जाए 200 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई बात नहीं है। मैं क्यों कहूं 200, मैं आपसे कहूं 225 मुझे चाहिए, इसी को मान के चलो 230-225 के अप्रोक्स। तो ये समझो कि यही आपको मान के कहीं ना कहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर जी कहां से आएगा इतना, जब 211 पिछली बार कट ऑफ बन गया था तो जो हाईएस्ट मार्कर होगा तो उससे ऊपर ही तो सभी बच्चे थे 1953, तो क्या नंबर नहीं लाए थे? तो आप भी ला सकते हो, समय भी है आपके पास। ठीक है, अब लेवल ऑफ एग्जाम क्या होगा? प्रीवियस की तरह होगा या उससे आसान होगा? इसके बारे में 100% डिपिक्शन जो है वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एजेंसी बदलती रहती है। एजेंसी को प्रीवियस पेपर दिया जाता है कि आप उसके बेसिस पर कुछ चीजें ऐसे करो, तो चांसेस होता है कि आपका हो सकता है कुछ। अब ऐसा नहीं है, जैसे आप पीटी का 2021 वाला देख लो और इस समय का पेपर देख लो, आपको अंतर दिख रहा होगा जो लोग एग्जाम दिए होंगे, वैसे इनमें भी दिखेगा अंतर, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि वीडियो अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपने देखा रीजनिंग का लेवल क्या था, क्या नहीं था, कैसा था। ऑलमोस्ट आप ये मान करो रिसेंट के जितने पेपर है उनको एनालाइज करो और उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका भी लेवल रखा जाएगा, ठीक ठाक होगा। रीजनिंग का लेवल भी अच्छा होगा, इसमें रीजनिंग ही अच्छी आई थी तो रीजनिंग अच्छा होगा, अच्छे से तैयार करना है रीजनिंग और हिंदी को आपको। ठीक है, बाकी कंपटीशन लेवल क्या होगा? जैसा मैंने बताया कि 14 लाख मैक्सिमम लोग फॉर्म फिल किए थे, 9 लाख एग्जाम दिए थे, क्या 9 लाख से संख्या कम हो जाएगी इस बार? देखो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर है कि कंपटीशन आपका जो है वो किस मायने में कम होगा। कंपटीशन ये है कि हो सकता है कि 2018 से लेकर 22 के बीच में चल रहा है, 23 में कहीं ना कहीं
तो आपके इसमें के बीच में कुछ बच्चे जो थे वो आपके सिलेक्शन ले लिए होंगे अच्छी जगह, वो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन आप कुछ लोग जब कोई कांस्टेबल बना होगा तो वो सोचेगा मैं वीडियो बन जाऊं, कांस्टेबल की वैकेंसी में, क्योंकि यूपी में आप खुद ही सोचो कितनी वैकेंसियां फाइनल हुई हैं। सेंट्रल को छोड़ दिया जाए, सेंट्रल बच्चे बच्चे चलो ठीक है अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन कुछ सेंट्रल में जो अलग छोटे पोस्ट पे हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपने स्टेट पे आ जाए। और 18 की 22 की अगर हम बात करें तो सिर्फ जो अच्छे पोस्ट पे होंगे वो छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हाँ ठीक है कि कुछ एक बैलेंस आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, एक बैलेंस कंपटीशन होगा। लेकिन मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स जो एक तरह से बोला जाए, वो ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे लगातार जो पढ़ाई का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, मेहनत बच्चों में बढ़ती जा रही है, तो मार्क्स बढ़ता जाएगा लाने का, ठीक है, जो वो टेंडेंसी है ना टॉपर वाली वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चा तैयारी करते करते किस फेज तक आ चुका है। वही बच्चा 16 से लेकर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, किसी की 18 से नहीं तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो उसका लेवल आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप से। और जो छोड़ दिया तैयारी, जिसने ये सोच लिया चलो हाँ कुछ ऐसे होंगे 2018 के बाद चलो नहीं करना मुझे जॉब वॉब कुछ भी, कुछ किसी ने फॉर्म भरा होगा, तो वो सब चीजें हैं। तो हो सकता है कि ऑन अप्रोक्स जो है एक मॉडरेट आपको क्या दिखने को मिले, कंपटीशन देखने को मिले, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो कंपटीशन आपका क्या होगा, मॉडरेट लेवल का होगा। एग्जाम डेट क्या होगी, सबसे बड़ा प्रश्न आप सभी का यही है कि इसमें एग्जाम डेट क्या होगी। तो मेरे कहने का मतलब कि एग्जाम डेट इस साल आयोग नहीं कराएगा, मतलब आपके पास प्रॉपर समय है। अगर आज से आपने पूरा जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देख लिया, आपका काफी मनोबल डाउन हुआ, और उसके लिए टीम भी प्रयास कर रही है, आप लोग भी काफी प्रयास करो, और भी संस्थानों के साथ आप मिलिए और कुछ एक ऐसा हम लोग निर्णय लें, एक ऐसे निर्णय पे पहुंचे जहां पर इस पीटी के जो समस्या है उसको समाधान किया जाएगा, नहीं तो ये फ्यूचर में बहुत ही दुखद होगा छात्रों के साथ, ठीक है। एग्जाम डेट क्या है इसकी, सब कुछ होने के बाद भी अभी नहीं इसका पता चल रहा है, तो ये इस साल तो मुश्किल है, इस साल आपका मुश्किल है, ये ध्यान रखना। इसका एग्जाम अगले साल होगा तो आपके पास साफ साफ नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी का ही एग्जाम बताया, जनवरी तक मुझे नहीं लगता ये हो पाए। जनवरी 3 महीना आपके लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वन डे के लिए सफिशियंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप न्यू कॉमर्स हो, आप वही 2018 वाले बच्चे हो, आपको वही बस चीजें रिवाइज करना है, नया क्वेश्चंस देखना, नया पैटर्न को देखना है, ठीक है। तो ये 3 महीने अपने आप को इतना रगड़ दो कि किसी और में ध्यान ना जाए। अगर आपको यूपी में जॉब लेना है और वीडियो और एग्जाम आपका टारगेट है, तो इतना रगड़ दो इस 3 महीने कि आपको कोई और ध्यान ना जाए कि मुझे बस इसी पर फोकस करना है। पीटी भी हमारे पीटी किसी काम का नहीं निकला, उससे भी आने वाली वैकेंसियों में मेरा कहीं हो नहीं पा रहा है, तो भैया लग जाओ जी जान छोड़ के एकदम इसके पीछे, मैं यही कहूंगा। 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करें इसको, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं भाई, सिंपल सी बात है, आप तैयारी करते आ रहे हो बच्चों, ऐसा नहीं है 2018 में आपने एग्जाम दिया, बिना तैयारी के तो एग्जाम दिए नहीं होगे, और उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम को फेस कर रहे हो। रीजनिंग का लेवल अच्छा था, तो इस लेवल के प्रिपेयर करने के लिए आप यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस पेपर्स जो भी आपके हो रहे हैं, कोई भी पेपर, ठीक है, प्रीवियस पेपर कोई भी जिसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है, उसके क्वेश्चन को जरूर एनालाइज करो, जरूर देखो, ये जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कोई किताब इसके अकॉर्डिंग नहीं बनती है। और मैं एक बताता हूं आपको, आप मेरी बात सुनना, जो भी पेपर बना रहा है वो टेक्निकल बंदा आपका बना रहा है, मैंने डीआई के कुछ क्वेश्चन हूबहू रखे थे, उसमें भी चेंजेस हुए हैं, आप जाना नहीं मेरे पर विश्वास है, आप इंडिया बिक्स खोलना, इंडिया बिक्स, ये बेसिकली हम लोग जब आपके टीसीएस में थे और उसकी प्रिपरेशन करते थे जॉब इंटरव्यू की, तब हम लोग ये इंडिया बिक्स को फॉलो करते थे, और इंडिया बिक्स पे आप डीआई के प्रश्न को देखना, हूबहू आपके प्रश्न मिलेंगे, हूबहू, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताना वीडियो में, इंडिया बिक्स के डीआई के प्रश्नों को देखना, यहीं से प्रश्न उठाए गए हैं और मैं भी यहां से उठाया था, और आप देखना एक जो पेज वाला है, रॉयल्टी वाला है, वो मैंने डीआई में दिया है,
ठीक है। तो यहां पर जो आपके डीआई इंडिया बिक्स है, ये वहां से इन्होंने, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, इंडिया बिक्स पे काफी प्रैक्टिस पड़े हुए हैं आपके, इन चीजों को आप यहां से फॉलो कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस जो नए लेवल के आपको मिल जाएंगे, और बाकी यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस को, ठीक है, आ जाओ, क्योंकि पढ़ तो आप सब लिए होगे, कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो, हिंदी में भी वही करना है आपको इसके प्रीवियस ईयर को, क्योंकि हिंदी मैक्सिमम आपका जो है ना, हिंदी भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, प्रीवियस पेपर से ही आप आदित्य है अब आई सही हो गया, उसमें जो भी दिक्कतें थी उसको आप पढ़ डालो, बाकी आपने जो किताब है वो तो आपके पास होगी ही, लूसेंट पढ़ रहे थे, पीएन पांडे पढ़ रहे थे, तो भाई इसके लिए तो लूसेंट भी सफिशियंट है, बाकी प्रीवियस पेपर जितना आप प्रैक्टिस कर डालो, जितना क्वेश्चन देख डालो। जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, ये मेन होते हैं आपके, और यहां पे यूपी स्पेशल उसकी बात करें, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं, आपने देखा पीईटी में वो डिट्टो डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन से बनाया जा रहा है, तो आप इसके लिए मेरा यही मानना है कि आप पढ़ो, क्योंकि ये तो पढ़ने, इसमें प्रैक्टिस भी करते रहो, पढ़े भी हो तो पढ़े ठीक हो, लेकिन आप रिवाइज के ही तौर पर एक एनसीईआरटी गिस्ट को फॉलो कर लो, क्योंकि यहां से एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन मिल जाएगी, और वो गिस्ट किसी की भी हो सकती, महेश बर्णवाल की सबसे अच्छी आती, तो मैं इन्हीं को फेवर करूंगा, आप यहां से ले सकते हो महेश बर्णवाल को, ठीक है, एनसीईआरटी गिस्ट। बाकी अगर हम बात करें यूपी स्पेशल, ये आपके एग्जाम में आता है, तो यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी ले लो, परीक्षा वाणी को फेवर करो, ये इसमें इससे बाहर आपका यूपी स्पेशल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब कुछ बच्चे, और इन सब के साथ सबसे बड़ी एक होती है चीज, वो होती है एक प्रॉपर गाइडेंस, क्या होती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, कि हर समय पर एक मोटिवेशन, एक गाइडेंस मिलना चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो आप हमसे ले सकते हो, किसी और से, जिसको आप गुरु भाई बड़ा, जिसको आप आदर्श मानते हो, वो आपको अच्छे से ट्रेंड कर सकता है, आपको अच्छे से चीजें बता सकता है। हमसे भी बच्चे जुड़े हैं कहीं ना कहीं वीडियो एग्जाम से, और जो अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, टीम परीक्षा प्लस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और ऐप से जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं हमसे, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और ये सब चीजें जिनको एक जगह सब कुछ चाहिए, तो भाई मैं लास्ट में बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, कि हमारे द्वारा भी उन बच्चों के लिए जो एक अपना रिविजन पर्पज से कहीं जुड़ना चाहते थे कि सब मैटर एक साथ मिल जाए, तो परीक्षा प्लस भी एक वीडियो प्री एग्जाम के लिए कोर्स चला रही है, तो आप उससे जुड़ सकते हो, वो आपका स्वैच्छिक है, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, ना जुड़ना चाहो नहीं जुड़ सकते हो, उसके लिए मेरा कोई भी दबाव नहीं है आप लोगों पे, ठीक है। तो ये चीजें आप पे है कि इन चीजों को आप फॉलो कर लो, इसीलिए मैंने बुक लिस्ट भी बता दिया, कि ऐसा ना हो कि आप बोलो कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा आप बोल रहे हो, कि भाई आप ऐसे इस चीज को फॉलो कर सकते हो, बाकी आप, और एक बेटर टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज आप एक अच्छी, जब भी आपके एग्जाम के वन मंथ बचे हो, आप अच्छा टेस्ट सीरीज, बाकी आप सेक्शनल लगाते जाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो हमेशा, कभी प्रीवियस ईयर के मोड पर, कभी कुछ के मोड पर, टाइम बाउंडेशन में, निर्धारित समय में, क्योंकि जब आप समय में निर्धारित करके कोई क्वेश्चन करते हो, तो उसका इंपैक्ट आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, उसका रिजल्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बस यही बातें हैं कि भैया अब आपके पास एक अच्छा जो विकल्प बचा है वो वीडियो एग्जाम है, इस पे अच्छे से फोकस हो जाओ, रीजनिंग वही है जो आप हमेशा एग्जाम में पढ़ते आए हो, हिंदी वही है, ठीक है, कुछ स्तर में चेंजेस है, हिंदी तो आपका एकदम आसान है, हिंदी की बात करें तो एकदम आसान आएगा, वो पिछली बार भी था। जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यूपी स्पेशल आप जितना पढ़ जाओगे उससे ज्यादा नहीं आने वाला, बाकी मैं एक बेटर स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। यहां तो मेरा सिर्फ मोटो ये था कि आप सब कुछ दुनियादारी छोड़कर वीडियो एग्जाम के पीछे लग जाओ, ये जनवरी लास्ट या फरवरी तक निर्धारित है कि हो सकता है ये करा लिया जाए एग्जाम, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर कोई समस्या है आपको किसी भी प्रकार की, किसी और कोई और क्वेश्चन है आपका, तो वो भी बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी हल किया जाए, ठीक है। और जो कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों के प्रश्नों की थी, कि भाई जितने लोग फॉर्म भरे हो सबको एक तरह से कहीं ना कहीं जो है मिलेगा मौका,
ट्रिपल सी वाले ही भर पाएंगे, इक्विवेलेंट भर क्या, ट्रिपल सी वाले ही भर मतलब एग्जाम दें तो बेटर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं मांगा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का अगर आपका ट्रिपल सी है तो वो वैसे भी मान्य नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, अपने मित्रों का ख्याल रखिएगा, तभी आप एग्जाम देने जाइएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।